जंगल कटाई और वन तस्करी के मामलों में बुरहानपुर के आदिवासी कार्यकर्ताओं और जागृत आदिवासी दलित संगठन नेत्री माधुरी बेन के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक प्रकरण मामले में गुरुवार को तूल पकड़ लिया है। गिरफ्तारी एवं कार्यवाही पर संगठन कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय पर आपत्ति दर्ज कराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। संगठन कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन के बलिराम शिवराम कनासे, प्रभु सोलंकी, इलाम सिंह मारे, कुंवर सिंह जमरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि आदिवासी समाज एवं संगठन प्रकृति पूजक है, वनों का रक्षक है, वनों को बचाने वाले के खिलाफ ही आपराधिक मामले दर्ज कर शासन प्रशासन लकड़ी तस्करों को बढ़ावा दे रही है। 30 अप्रैल को आदिवासी कार्यकर्ता अंतरराम अवासे को गिरफ्तार कर लिया है। माधुरी बैन पर 24 प्रकरण दर्ज करने के साथ ही 3 मई को 50 अन्य कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, जो झूठे हैं। संगठन कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पिछले 6 माह से लगातार की जा रही शिकायतों पर ध्यान न देने के कारण 15 से 20 हजार एकड़ क्षेत्र के हरे भरे जंगल से पेड़ों को काटकर जंगल नष्ट किए गए। इन्हें रोकने के लिए आवाज उठाई तो आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। शासन की आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे निमाड़ के आदिवासी आंदोलन छेड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। झाड़ी लगाना जानते हैं और झाड़ी भी लगाता, और जहाँ जंगल कट रहा है उनको बोला कि भाई ये जंगल तुम बचाओ, जो तुम अधिकार देखो, ऐसा करके उनको सरकार को बोला। फिर सरकार कोई सोची नहीं, यानी फिर हम बचाने गया, उससे के ऊपर मतलब ये झूठा केस लगा दिया। और जो संगठन तो मतलब झाड़ लगाता है, और झाड़ जो काट रहा है उनको क्या खुलेआम से घूमने दे रहे, यानी जो झाड़ बचा रहे हैं उनको क्या मतलब जेल में ठूसे दे रहे। ये कौन सा नहीं हमारे साथ हो रहा है भाई, ऐसा ही होगा तो फिर हम तो ये पूरे नागरिक मतलब ऐसा दूषी माना जाएंगे नहीं झाड़ के मामले में, यही हमारा कहना है। यानी अगर ये ऐसा ही रहेगा तो फिर हम सो भी उसको मामले में मतलब गिरफ्तारी देंगे, ये झाड़ी कटने के मामले में, कि झाड़ी भी सरकार कटवा रहे ना, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष टुडू है। जिला कलेक्टर कार्यालय पे ब्रांडपुर में जो अवैध वन कटाई हो रही थी उसके बारे में हमारे जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ताओं जैसे माधुरी बेन है, हम जैसे सारे साथियों ने कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया और कहा कि जो अवैध वन कटाई हो रही है इसे रोका जाए, लेकिन शासन प्रशासन उस कटाई के ऊपर नहीं ध्यान दिया। शासन प्रशासन को हमने 13 बार तो ऐसे आवेदन आप दे चुके हैं और उनसे मौखिक भी कई बार असंख्य बार मौखिक भी बात की, लेकिन शासन प्रशासन उस चीज़ के ऊपर मौन रही। आखिरी में फिर बुरहानपुर कलेक्टर को घेराव किया और 3 दिन का घेराव करने के बाद में कलेक्टर कार्यालय को घेरा करने के बाद में शासन प्रशासन को नींद उड़ी और उन्होंने देखा तो उन्होंने सिर्फ सीधा ही संगठन के ऊपर आरोप लगाया और माधुरी बेन के ऊपर 24 केस दर्ज किए हैं और हमारे एक साथी अंतरम आवासीय को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया है। अगर ऐसा ही वन कटाई के बारे में चलता रहा तो हम पूरा समाज इस वन कटाई का गुनहगार हैं, पर शासन प्रशासन की मिली भगत से ही वन कटाई हो रहा है। हमें यह खुला खुला दिख रहा है कि शासन की मिली भगत है सरकार, इस वन कटाई के बारे में बिल्कुल वन विभाग या शासन प्रशासन पूरी मिली भगत के साथ वन को कटाई झाड़ी को कटाया जा रहा है। अब हमें खुला खुला दिख रहा है कि इसमें कोई किसी का आदिवासियों का दोष नहीं, शासन प्रशासन ही इसे कटाना चाहती है और जंगल खत्म करना चाहती है। क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं अगर ऐसी कटाई रही और ऐसे संगठन के कार्यकर्ता पर झूठा आरोप लगाया जाएगा तो हम सभी संगठन के सारे समाज जेल जाना चाहते हैं और सभी इस अपराध के हम अपराधी माने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलिराम सोलंकी, जागृत आदिवासी दलित संगठन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।